हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ इजी लर्निंग। तो सबसे पहले आपको एक काम करना है कि आपको मेरे चैनल पिक्चर के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है रेड कलर का, इस बटन पर क्लिक करना है जिससे आपको मेरे वीडियोस के अपडेट सबसे पहले मिल जाएंगे। ओके, तो बस इतना सा काम करना है आपको। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए जनरल नॉलेज के हिस्ट्री सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो KVS, NVS, SSC, UPSC इन सारे एग्ज़ाम्स में बहुत ही यूज़फुल है। बिकॉज़ जब जनरल नॉलेज पूछा जाता है तो उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी और करंट अफेयर्स, यही सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, तो हिस्ट्री भी एक उसका इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था, और वो शासक है आपका चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने एक जैन मुनि की तरह उपवास करके अपना शरीर त्यागा था। तीसरा क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध जो 1191 ईस्वी में हुआ था वो किसके मध्य लड़ा गया था? तो तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच लड़ा गया था। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किसने किया? तो इसका आंसर है, मुर्शिद कुली खान ने बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया था। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना था? तो इसका आंसर है, 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह कानून बना था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी? तो इसका आंसर होगा, 1858 ईस्वी के बाद अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई थी, तो आप इसको 1858 ईस्वी मान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य भारत में कहां से आए थे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैंने इसमें दिए हैं, पर कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं, तो उसमें से ये है कि आर्य भारत में कहाँ से आए थे? आर्य भारत में केंद्रीय एशिया से आए थे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? तो आर्य अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ये भी इंपॉर्टेंट और बहुत ही सुना हुआ क्वेश्चन है। इसका आंसर है, चंद्रगुप्त ने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई बैरम खां और हेमू के बीच हुई थी। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? तो इसका आंसर है, मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको पता भी होगा शायद, मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? तो इसका आंसर है, बाजीराव पेशवा। अभी इस पर मूवी आई थी बाजीराव मस्तानी, जिससे आप सबको पता होगा कि हाँ, मस्तानी बाजीराव पेशवा की प्रेयसी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? तो इसका आंसर है, खिलजी ने बिहार प्रदेश को सर्वप्रथम जीता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सूरत में सर्वप्रथम अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे मुगल काल में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली सहायक संधि कौन सी थी? तो इसका आंसर है, निजाम की संधि जो थी वो पहली सहायक संधि थी। तो ये कुछ 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने कराए। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं हिस्ट्री, जीके के और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगी। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है तो आप मेरे वीडियोस देखते रहिए, और जिसने नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, जिससे मैं आपको और भी अच्छे अच्छे वीडियोस प्रोवाइड कर सकूं और आपके पास इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आ सके, आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करो। ओके, थैंक यू।